हे दोस्तों, कैसे हो दोस्तों। आज मैं आपको एक सीक्रेट सेटिंग के बारे में बताने वाला हूँ और साथ ही साथ एक एप्लीकेशन के बारे में भी बताऊंगा, जिसे अगर आप अपने फोन में इंस्टॉल करते हो और अप्लाई करते हो तो आपका फोन बहुत ही ज्यादा स्मार्ट हो जाएगा। तो दोस्तों साथ ही साथ वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि लास्ट में मैं आपको एक सीक्रेट ऐप के एक सीक्रेट सेटिंग और बताऊंगा जिससे आपका फोन बहुत ही ज्यादा अच्छा हो जाएगा। सो दोस्तों आज की वीडियो को पूरा देखिए और चलिए अब शुरू करते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सूरज कुमार और आप देख रहे हैं टेक्निकल सूरज। दोस्तों आपको एक एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है जिसका नाम है JTouch, जो कि मैं दिखा देता हूँ आपको। सीधा सिंपली प्ले स्टोर ओपन करना है और आपको लिखना होगा JTouch। जैसे ही JTouch लिखेंगे आपको ये एप्लीकेशन आ जाएगी। गाइस अभी 50,000 लोगों ने डाउनलोड किया है, मैंने इसको ऑलरेडी डाउनलोड किया है, बाकी डिस्क्रिप्शन में मैं इसका डाउनलोडिंग लिंक दे दूंगा, तो आप वहां से भी डाउनलोड कर सकते हो। तो दोस्तों अब आप देख रहे होंगे कि यार इसमें एक चीज़ आपको थोड़े से अलग दिख रही होगी, क्योंकि मेरे ये मैसेज और ब्राउज़र के बीच में एक बटन सा आपका शो हो रहा होगा। सो गाइस जो ट्रिक है, जो सेटिंग है, वो यही है। अब मान लीजिए मुझे होम बटन पे जाना है, तो इस जो हमारा जो ये बटन है इसको ड्रैग टू राइट करना है, लेफ्ट करना है सॉरी, आपको लेफ्ट करते ही आप होम पे आ जाएंगे। अब इसको मान लीजिए हम ड्रैग टू लेफ्ट राइट करेंगे तो आपका रिसेंटली जो ऐप हमने खोल रखे हैं वो दिखा देगा। तो दोस्तों अब मान लीजिए हमें नोटिफिकेशन को ऑन करना है, तो नोटिफिकेशन देखनी है तो इसको ड्रैग टू डाउन करना है। ड्रैग टू डाउन करेंगे तो आपका ये नोटिफिकेशन का जो भी आपका पैनल होता है वो खोल देगा। तो दोस्तों अब इसको यूज़ कैसे करना है, आपको सिंपली जैसे आप ये एप्लीकेशन ऑन कर लोगे तो आपको क्या करना है कि आपको ये फ्लोटिंग फंक्शन आपको दिख रहा होगा ये पहले नंबर पर, आपको इसको ऑन करना है और आपको कुछ परमिशन देनी होगी, वो आप दे दीजिएगा। और दूसरा आ गया लॉक परमिशन। लॉक परमिशन आपको देना होगा। इससे आपको क्या फ़ायदा है कि अगर आप लॉक परमिशन दे दोगे तो जब भी आपका फ़ोन लॉक होगा तो ये तब भी आपका वर्क करेगा। तो दोस्तों अब तीसरा ऑप्शन है ये स्टाइल एंड पोजिशन। अब आपको क्या करना है, इसको क्लिक करना है, ये डिफ़ॉल्ट होता है। और देख रहे होंगे कि आपका जो ये आइकन है, ये जो मैं घुमा रहा हूँ, ये बहुत छोटा दिख रहा है। अब आपको तीसरी सेटिंग करनी है। अब आपको ये दिख रहा होगा साइज़, ऑल के नीचे साइज़ है। इसमें एक ऑल में क्या है, आपको ऑल में ये दिखा रहा है कि आपको कौन सा जो लोगो है आपको कौन सा लेना है, ये वाला लेना है तो आप ये ले सकते हैं, बाकी मैं कलरफुल लूँगा। तो ये साइज़ वाला जो ऑप्शन है आपको ये लेना है, इसको डिफ़ॉल्ट को हटा देना है, आपको साइज़ अपने हिसाब से आपको बड़ा करना है। और जैसा कि अब ये बड़ा हो चुका है। तो दोस्तों अब बात करते हैं चौथी सेटिंग की, जिसका नाम है फंक्शन एंड सेटिंग। इसमें आप देख रहे होंगे सिंगल टैप करने पर ये बैक हो जाएगा, जो कि मैं करके दिखा देता हूँ। अब मैं सिंगल टैप कर रहा हूँ और ये बैक हो गया, पर अभी मैंने इसको दोबारा टैप किया तो ये इस ऐप पे आ गया है। तो दोस्तों डबल टैप करने पे क्या होगा, ये स्वीप टू लास्ट एप्लीकेशन पे पहुंचा देगा। ये अगर मैं डबल टैप करूँगा तो ये उस ऐप पे पहुंचा देगा जो मैं पीछे यूज़ कर रहा हूँ, जो लास्ट टाइम मैंने यूज़ किया था। और लॉन्ग प्रेस करने में क्या होगा, आपका जो बटन है वो मूव करने लगेगा। जैसे मैं करके दिखा देता हूँ, ये देखिए ये मूव कर रहा है। और स्वाइप टू अप, अब स्वाइप टू अप करने से क्या होगा, फ़ोन लॉक हो जाएगा। दोस्तों अगर मैं ये लॉक करके दिखाऊंगा तो मेरा स्क्रीन रिकॉर्डर बंद हो जाएगा, इसलिए मैं नहीं करूंगा, आप कर लीजिएगा। तो दोस्तों अब है स्वाइप डाउन। स्वाइप डाउन करने पे नोटिफिकेशन पैनल खुल जाएगा, जो कि मैंने करके अभी दिखा दिया है। आपको सिंपली डाउन करना है, बाकी आप जो आपके बटन है, आपको अगर मान लीजिए आपको ये सेटिंग्स नहीं चाहिए तो आप क्या कर सकते हो, किसी भी फंक्शन पर क्लिक करें और यहाँ पर बहुत सारे इसके सेटिंग्स आ गई हैं, आप कोई सा भी इस पर अप्लाई कर सकते हो। जैसे बहुत सारे से मेन्यू की, लॉक स्क्रीन, हाइड फ्लोटिंग बटन, आप बहुत सारी सेटिंग अपने आप कस्टमाइज़ कर सकते हो, तो वो आपके ऊपर है। सो दोस्तों अब है स्वाइप लेफ्ट। अगर लेफ्ट करेंगे तो हमारा जो होम की है वो आ जाएगा, राइट करेंगे तो रिसेंटली ऐप जो हमने खोल रखे हैं वो दिखाएगा, जो कि मैं करके दिखाता हूँ। पहले हम करते हैं स्वाइप लेफ्ट, तो ये आ गया होम, और स्वाइप राइट करते हैं, यह आ गया हमारा वो जो हमने लास्ट एप्लीकेशन, सॉरी ये रिसेंटली एप्लीकेशन है। सो दोस्तों जैसे कि आपने अब ये सब कुछ देख लिया है तो आपको समझ में आ गया होगा कि ये ऐप काम क्या करता है। सो दोस्तों अब बात करते हैं उस लास्ट जो सीक्रेट ऐप की बात है, जो सीक्रेट बटन की बात है। गाइस जो सीक्रेट था वो ये है कि मान लीजिए अगर आपका फ़ोन टूट गया है नीचे से, जैसे जहाँ पे आपका होम रिसेंटली और बैक बटन होता है टच पे, अगर वो टूट गया है तो आप इस एप्लीकेशन का यूज़ करके, सेटिंग को अप्लाई करके आप अपने फ़ोन को यूज़ कर पाएंगे बिना उन
होम बटन को यूज करें जो आपका टूट चुका है। तो दोस्तों बस आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, साथ ही साथ चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन दबाओ, क्योंकि मैं रोज ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो आपके लिए लाता रहता हूँ। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं कल। नमस्कार, बाय बाय, सलामत रहें। Bottles popping, bottles.